आज का हमारा प्लान था महान राजा कृष्णदेवराया के शासनकाल का सबसे समृद्ध राज्य विजयनगर देखने का, जिसकी झलक पाने के लिए ही दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। जो हमारे देश की कला का, हमारे कलाकारों का, यहाँ की रॉयल्टी का और हमारा देश कितना समृद्ध हुआ करता था, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। पर बहुत सारे अटैकर्स द्वारा, इन्वेडर्स द्वारा इस जगह को ख़त्म कर दिया गया। बट थैंक्स टू आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने मिट्टी में दबे हुए इस राज्य को फिर से ढूंढ निकाला और पिछले 40 सालों से यहाँ पर खुदाई का और रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, जिसकी झलक आज हम सबको देखने को मिलती है, जिसके ऊपर हम सब गर्व कर सकते हैं। तो इस जगह को और अच्छे से जानने के लिए, कुछ और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए, हमने भी हमारे इस टूर में एक गाइड कर लिया। वाली सुग्रीव नल नील अंगद जाम्बोत और हनुमान का बर्थ प्लेस अंजनाद्रि कहते हैं। विरूपाक्ष टेम्पल भगवान का नाम है विरूपाक्ष, और मंदिर का एंट्रेंस है 165 फीट एंट्रेंस गेट, इसको कहते हैं गोपुरम। दक्षिण भारत में कहीं मंदिर में जाओ एंट्रेंस पे ऐसा गोपुरम बोल के बनाए रहे। ये गोपुरम इधर है, इधर से 600 फुट लंबे में एक कमरा है, उस कमरे को एक हॉल है, त्रुदी हॉल, इसका छाया त्रुदी हॉल 4 फुट दीवार के ऊपर ऐसा उल्टा दिखता है, इन्वर्टेड इमेज, जस्ट लाइट एंड लेंथ। 1336 में इस विजयनगर किंगडम का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, रूल्ड बाय 23 किंग्स, नॉट ओनली कृष्णदेवराय, द फर्स्ट हरिहरा एंड बुक्का, हरिहर राया, बुक्का राया, राया मीन्स राजा, कृष्णदेवराय उन्होंने ग्रेटेस्ट किंग था, ही वॉज रूल्ड फॉर 21 ईयर्स एंड दैट वॉज गोल्डन ईयरा, ओपन मार्केट में हीरा मोती बेचा जाते। और उसके बाद में एक राजा आया, रामदेव राय, वो रामदेव राय राजा का रूलिंग अच्छा नहीं था, आपस में झगड़ा, इनका आपस में झगड़ा था, वो उसका लाभ वो लिए मुसलमान राजा ने, बीजापुर, बीदर, गुलबर्गा, अहमदनगर एंड गोलकोंडा, पांच राज्य के मुसलमान राजा ने एकता होके इधर का राजा वो रामदेव राय को मार दिए। मारने के बाद इधर के लोगों ने गांव छोड़ के निकल गए, निकल जाते जाते जिसको मालूम था जहाँ जहाँ संपत्ति है वो संपत्ति को पूरा अपने ही लोग लेके चले गए इधर के, और मुसलमान राजा ने आए तो लूटने के लिए, उनका जो मन में था इतना लूटेंगे बोल के उतना नहीं मिला बोल के सभी डिस्ट्रॉय करते गए। सो उनका जो मकान था, राजा का महल वगैरह सभी जला दिए, मतलब चंदन का लकड़ी से बनाया हुआ था। आज हमारी लिस्ट के अंदर यहाँ पर करीब 15 से 20 जगह है जो हमारे गाइड साहब हमें दिखा रहे हैं। इतना बड़ा साम्राज्य देखकर, वो शासनकाल देखकर, इतना कमाल का आर्किटेक्चर देखकर आप दंग रह जाएंगे और एक बार तो सोच में आ जाएंगे कि कैसे बनाया होगा, कितना समृद्ध रहा होगा। खेलने के लिए, पानी में खेलने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए रानी अपनी दासियों के साथ यहाँ पर आया करती थी। और यहाँ पे इसके अंदर चार पिलर थे, वो वाला होल वाला दिखता है देखो, पानी में खेलने का टाइम उसको पकड़ के बैठने के लिए। अच्छा। और ओपन सनबात, ऊपर छत पे सनबात। ये जो है ये करीब 2 किलोमीटर से आ रही है, पत्थर की पाइपलाइन बनवाई गई थी जिससे पानी आकर के कुंड के अंदर स्टोर हो जाता था। इस जगह का नाम है पुष्करनी, जैसे राजस्थान के अंदर बावड़ियाँ होती है स्टेप वाइज, वैसे ही ये जगह बनाई गई है। 10 दिन का यहाँ पर महोत्सव होता था, सामने लक्ष्मी जी का मंदिर होता था, यहाँ स्नान करके लक्ष्मी जी के मंदिर में दर्शन करते थे। मतलब यहाँ का जो मेन गेट टुगेदर होता था राजा के समय का, वो दशहरे पे होता होगा। दशहरा सबसे बड़ा त्यौहार।
अगले दशहरे पे उनको फांसी चढ़ाएंगे। ऐसा अगले दशहरे पे आके अपना इनाम ले जाना। तो ये जगह हाथियों के रहने के लिए बनाई गई थी, पूरा महल बनाया गया था और रॉयल एलिफेंट्स यहाँ पर रखे जाते थे। इसके साथ में ही जो हाथियों के महावत होते थे उनके लिए ये जगह बनाई गई थी। ये जगह है क्वींस पैलेस, यहाँ पर रानी रहा करती थी। समर टाइम का बगीचा था राजा रानी का। ये है लोटस महल, यहाँ पर भी गर्मियों में राजा आकर अपनी रानी के साथ में रहा करते थे। बचपन में जो तेनालीरामा की 90s के किड्स ने कहानियाँ सुनी थी, तेनालीरामा सीरियल भी आता था, काफ़ी बार आया, 2-3 बार उसका रीमेक भी बना। वो सामने एक टावर है उसके ऊपर बैठकर वो अपनी कहानियाँ लिखा करते थे। अब सिर्फ अवशेष बाकी है, उसका बेसमेंट बाकी है। कैसा महल दिखता था उस ज़माने में वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है उसको किसी तरीके से वापस खड़ा करने की। तो इसका मतलब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ा कमाल का काम किया है इस जगह पे हम्पी में। इतना खोद खोद के, इतना पत्थर, इतनी इमारतें, इतना आर्किटेक्चर निकाला है, देश का इतिहास जानने को मिल रहा है ना इससे। इतना नहीं तो हमें क्या पता था, ये तो दब गया था सारा ही। यहाँ से पता तो चला क्या रॉयल शासन हुआ करता था। तो बड़ा कमाल का शासन रहा है राजा कृष्णदेव राय का। और ये वो जगह है जो आपने बाहुबली पिक्चर में देखी थी, बाहुबली का दरबार एस्टेब्लिश किया गया था। और इतनी ग्रैंडनेस ये दरबार से भी आई। तो लकड़ी के दरवाजे तो बहुत बार देखे, पहली बार पत्थर का दरवाज़ा देख रहा हूँ। इस दरवाजे के पीछे ट्रेजर रखा जाता था, जितना भी सोना चांदी जेवरात। इस दरवाजे को हाथियों की मदद से खोला जाता था। ये कुंडी देखो, इसके अंदर कुछ लोहे की सांकल वगैरह फंसाते होंगे। मैं AI से जनरेटेड कुछ फोटोग्राफ्स के थ्रू राजा कृष्णदेवराय के समय का वो गोल्डन एरा कैसा था ये आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इतनी बड़ी कला को खत्म करने वाले लोग, वो अटैकर्स, वो इन्वेडर्स कितने क्रूर रहे होंगे और किस तरीके से इसे खत्म कर दिया गया। चना बेचने वाला व्यापारी लोग इसको बनवाया बोल के उधर लिखा है, चना गणपति बोल के नाम सुन के इधर आए के देखने के बाद सरप्राइज होने के लिए कि चना गणपति बोलते इतना बड़ा है। पेट बड़ा था, ये पेट में क्यों कुछ तो रखे होंगे बोल के पेट काट के देखा।